वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर दी जीवनी बारे विस्तार दसन जा रहे हाँ, जो कि इस प्रकार है। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखा ने नौवे गुरु सन। इन्हों का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को अमृतसर विखे होया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के पिता का नाम श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे कर माता नानकी दी कुखों होया। आप दा बचपन दा नाम बहादुर चंद सी ते आप गुरु साहब दे सब तो छोटे सपुत्र सन। आप जी दी आखरी पढ़ाई अते शस्त्र विद्या दा प्रबंध श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपनी देखरेख विच करवाया। 1634 ईस्वी विच आप ने अपने पिता नाल मिल के करतारपुर के युद्ध विच अपनी तलवार दे जोर दिखाए। आप जी का विआह 1632 ईस्वी विच भाई लाल चंद दी सपुत्री माता गुजरी जी नाल होया। आप दे सपुत्र सिखां दे 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सन। हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की राखी ली महान कुरबानी दिती। गुरु अर्जन देव जी की कुरबानी तो बाद आप की कुरबानी नाल भारत की दब्बी कुचली ते हाकमां दे जुल्म हेठ कौल राही कौम अपने हक्कां लई जुल्म नाल टक्कर लैण ते कुरबानियां देण लई तैयार वार तैयार हो गई। गुरु तेग बहादुर जी ने मानव जाति नूं संदेश दिता कि डरन वाला कायर है अते डराउण वाला जन्म है, इसलिए ना किसे तो डरो ना किसे नूं डराओ। गुरु जी बचपन तो ही संत स्वरूप अडोलन चित गंभीर ते निर्वैर सुभाअ दे मालक सन। आप कई कई घंटे समाधि विच लीन रहिंदे सन। आप बचपन विच ही दलेर सी, आप नूं तलवार चलाउण दा बचपन विच ही शौक सी। गुरु हरगोबिंद जी दे ज्योति जोत समाउण तो बाद आप पिंड वकाला विच आ गए ते उत्थे 20 साल भौरे विच बैठ के सिमरन करदे रहे। आप जी 24 नवंबर 1675 ईस्वी विच दिल्ली विखे ज्योति जोत समा गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।